हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू एजुगिरी। आई होप ऑल आर डूइंग ग्रेट। एजुगिरी पर हर रोज 6 o'clock द हिंदू का एनालिसिस होता है। आई एम सॉरी फॉर माय वॉइस, मुझे फीवर हो रखा है, बट इसी वॉइस के साथ करेंगे, ठीक है। धीरे धीरे आई विल बी अ लिटिल स्लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, बेल नोटिफिकेशन ऑन नहीं करी तो वो भी कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं एंड कॉमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको सेशन कैसा लगा। चलिए, कम क्लीन ऑन टाइमिंग ऑफ केजरीवाल अरेस्ट SC टू ED। अब यार यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अरविंद केजरीवाल कौन है, ठीक है ना। अप्रैल में डिस्कस किया था हमने, अरविंद केजरीवाल CM ऑफ दिल्ली है, ये पता, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली है, आम आदमी पार्टी को बिलोंग करते हैं आपको, ठीक है ना। पार्टी है इनकी आम आदमी पार्टी, तो अब पॉलिटिकल पार्टी ये है। और इनको अरेस्ट किसने किया, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट क्यों अरेस्ट करता है, ऐसी मजे के लिए नहीं। इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट तब अरेस्ट करता है अगर आप मनी लॉन्ड्रिंग के केस में फंसे हुए, मतलब यू हैव डन समथिंग रॉन्ग, यू हैव अर्नड मनी इलीगली, ठीक है ना। किसी ने क्या किया है, अर्नड मनी इलीगली, अगर आपने इलीगली पैसा कमाया है, ठीक है ना, तो फिर आपको कौन पकड़ेगा, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने अरेस्ट किया हुआ है। इनको क्यों किया हुआ है, क्योंकि एक्साइज पॉलिसी मतलब अल्कोहल से रिलेटेड पॉलिसी में कुछ गड़बड़ नज़र आ रही है, अल्कोहल, ठीक है ना। तो ये है। तो अब यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि भैया टाइमिंग्स का हमें समझ नहीं आ रहा, किस चीज़ का समझ नहीं आ रहा, टाइमिंग्स। अब टाइमिंग्स क्या, कि इधर से इलेक्शंस आए जनरल इलेक्शंस, और उधर से तुमने अरेस्ट कर लिया, तो टाइमिंग एक्सप्लेन करो, ठीक है ना। मेरे ख्याल से ये यही बोलेंगे कि बहुत टाइम से इनको समन भेजे जा रहे थे, बट ही वॉज नॉट अपियरिंग बिफोर द इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट, बट देखते हैं क्या कहते हैं। बट दिस इज द थिंग। तो अरविंद केजरीवाल के अराउंड ये क्वेश्चन आ सकते हैं, क्यों अरेस्ट किया है, किसने अरेस्ट किया है, कौन सी पार्टी क्या करते हैं ये, और अभी ये कहाँ पे है, अरेस्टेड है, ठीक है ना, अरेस्टेड, ठीक है जी। चलिए आगे चलेंगे। SC slams IMF chief's remarks about court. Tables turned. अब यहाँ पे table turn का मतलब क्या होता है, table turned एक मिनट ढंग से लिखते हैं, table turned to change a situation so that you now have an advantage over someone who previously had an advantage over you, ठीक है ना। जहां पर पहले आपके ऊपर कोई किसी की आपका एडवांटेज ले रहा था, अब आपने टेबल चेंज कर दिए हैं, अब आपके उसके ऊपर एडवांटेज है। तो टेबल टर्न मतलब यहाँ पे ऐसा भी कर सकते हैं कि यहाँ पे खाना पड़ा था, तुमने टेबल घुमा दिया, अब खाना यहाँ पर आ गया, तो तुम्हें आसानी होगी, तुम्हें एडवांटेज होगी, ऐसे याद कर सकते हो। तो टेबल टर्न ऑन ट्यूजडे व्हेन द सुप्रीम कोर्ट टुक स्टर्न एक्सेप्शन टू कॉमेंट्स रिपोर्टेडली मेड बाय इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेजिडेंट RV अशोकन ऑन इन एन इंटरव्यू अबाउट द कोर्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स, प्राइवेट डॉक्टर्स। तो यहाँ पर क्या हुआ, IMA मतलब इंडियन मेडिकल एसोसिएशन प्रेजिडेंट RV अशोकन इन एन इंटरव्यू मेड कॉमेंट्स अबाउट सुप्रीम कोर्ट्स क्रिटिसिज्म ऑफ प्रैक्टिसेस ऑफ प्राइवेट डॉक्टर्स। जो प्राइवेट डॉक्टर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको क्रिटिसाइज किया था, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने प्राइवेट डॉक्टर्स के रिलेटेड बात करी थी। तो जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के प्रेजिडेंट हैं उन्होंने क्रिटिसाइज किया, और अब सुप्रीम कोर्ट ने बोला ये जो है आपने सही नहीं किया, टुक स्टर्न एक्सेप्शन कि ये जो है, आफ्टर ऑल दिस यू डू दिस, द IMA हैज नॉट कवर्ड इटसेल्फ विद ग्लोरी, हाउ कैन यू डिसाइड विच वे शुड वी गो। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि भैया तुम्हारा क्या मतलब बना बोलने का। तो यहाँ पर हमारे लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, IMA का चीफ प्रेजिडेंट कौन है, चीफ नहीं,
प्रेसिडेंट कौन है, आईएमए की फुल फॉर्म क्या है, ये दो चीज़ें इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और टेबल्स टर्न इंग्लिश में ईडियम आ सकता है. द ईयर 2024 मार्क्स अ सिग्निफिकेंट माइलस्टोन फॉर इम्यूनाइजेशन. इम्यूनाइजेशन मतलब इंजेक्शन जो लगता है, वैक्सीनेशन जो होती है उसको इम्यूनाइजेशन बोलते हैं. इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स बोथ ग्लोबली एंड इन इंडिया, इट कमेमोरेट्स 50 ईयर्स सिंस द लॉन्च ऑफ एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इन 1974. तो यहाँ पर 50 ईयर्स हो गए, ठीक है ना, 50 ईयर्स कंप्लीटेड सिंस द लॉन्च ऑफ द expanded program on immunization, that is EPI, by World Health Organization, that is WHO, in 1974. सो बेसिकली क्या हुआ, 50 ईयर्स कंप्लीट हो गए किस चीज़ को, एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑन इम्यूनाइजेशन को, ठीक है ना, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने स्टार्ट किया था. कब स्टार्ट किया था, 1974 में. तो चार क्वेश्चंस हमारे यहाँ बनते हैं, किस चीज़ को 50 ईयर्स हो गए, क्या प्रोग्राम स्टार्ट किया था WHO ने 1974 में, EPI किसने स्टार्ट किया था, EPI WHO ने कब स्टार्ट किया था, ये क्वेश्चन हो गए, पॉइंट्स में कवर हो रहे हैं. द EPI वॉज इंट्रोड्यूस एज द इरेडिकेशन ऑफ स्मॉल पॉक्स. तो यहाँ पे हम लिखेंगे EPI जो इंट्रोड्यूस किया, EPI was introduced as the eradication of smallpox virus. The benefit of vaccines available. तो यहाँ पर ये start किया गया. तो ये प्रोग्राम क्यों स्टार्ट किया गया था, बेसिकली दिस प्रोग्राम rather than writing smallpox, it was introduced. EPI was introduced. EPI was launched by WHO. Stands as a global endeavor to ensure available in equitable access to life-saving vaccines for every child regardless of their geographic location. चाहे वो USA में बैठा है, चाहे वो इंडिया में बैठा है, उस बच्चे को, हर बच्चे को जो है वैक्सीन अवेलेबल हो, life-saving vaccines, ठीक है ना. ये क्यों आया, to ensure, ये लिखेंगे to ensure equitable access to life-saving vaccines for every child regardless of their geographical location. ठीक है जी. उसके बाद मतलब सबको वैक्सीन अवेलेबल हो. इन अर्ली 2023 द यूनिसेफ द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट रिवील्ड अ कंसर्निंग ट्रेंड फॉर द फर्स्ट टाइम इन मोर देन अ डेकेड. 10 साल में पहली बार ऐसा हुआ कि चाइल्ड वैक्सीनेशन कवरेज जो है वो डिक्लाइन हो रही है, 2021 से डिक्लाइन पर है. ठीक है, ये बता गया. 2023 इंडिया लॉन्च्ड अ पायलट इनिशिएटिव ऑफ एडल्ट बीसीजी वैक्सीनेशन एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू एंड टीबी फ्रॉम इंडिया. तो यहाँ पर अब हमें एक्स्ट्रा चीज़ें पता चल रही हैं. एक तो रिपोर्ट है, तो हमें लिखना होगा किसकी रिपोर्ट थी. इन 2023 यूनिसेफ्स, किसकी रिपोर्ट थी, यूनिसेफ की रिपोर्ट थी. यूनिसेफ्स द स्टेट ऑफ वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट revealed a trend in a first time in more than a decade. Childhood immunization coverage had declined in 2023. ठीक है ना, जो चाइल्डहुड कवरेज थी बच्चों की, ठीक है ना, इम्यूनाइजेशन की जो कवरेज थी, दैट हैड डिक्लाइंड इन 2021, बच्चों की जो वैक्सीन बच्चों तक पहुंच रही थी. उसके बाद इंडिया ने क्या स्टार्ट किया, बीसीजी वैक्सीन 2023 में इंडिया लॉन्च्ड पायलट इनिशिएटिव. तो पायलट मतलब स्टार्टिंग करके देखते हैं कि ठीक है नहीं है, ऑफ अडल्ट बीसीजी वैक्सीन. अडल्ट बीसीजी वैक्सीन, बड़े लोगों को बीसीजी वैक्सीन लगाना स्टार्ट किया. और उससे क्या होता है, एज पार्ट ऑफ एफर्ट्स टू एंड टीबी, दैट इज ट्यूबरक्लोसिस.
तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिल रही है, हमको क्या पता चल रहा है कि एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया था, किसने स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था, ये मैंने यहाँ पर लिखवा दिया है, ठीक है। तो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। उसके बाद द कॉन्टिन्यूड इनकार्सरेशन मतलब अरेस्ट इम्प्रिजनमेंट, ये वर्ड जो है इट इज़ अ वोकैब टर्म, प्लीज़ राइट डाउन। तो कैसे लिखोगे, ठीक है ना, इनकार्सरेशन दैट इज इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, दैट इज इम्प्रिजनमेंट, ठीक है। उसके बाद आगे चलेंगे, देर हैव बीन हीटेड एक्सचेंजेस बिटवीन रूलिंग गवर्नमेंट एंड द अपोजिशन विद रिस्पेक्ट टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ ड्यूरिंग ऑन गोइंग इलेक्टोरल कैंपेन। रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का कॉन्सेप्ट किसका है, रीडिस्ट्रीब्यूशन, किसका कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ किसकी, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, ठीक है ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ। अब क्या है यहाँ पर, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की, इंडिया के अंदर कह रहे हैं कि जो गरीब है वो बेचारा और गरीब होता है, जो अमीर है वो और गरीब हो रखा है, तो क्या करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 9 जज बेंच को बिठाया है, 9 जजेस बैठेंगे और ये सोच बताएं इंटरप्रेट करेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को। ठीक है, पहले के हम नोट्स बनाए, इससे पहले हम लोग डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, और फंडामेंटल राइट्स समझ लेते हैं। मैं तुम्हें नोट्स भी बनवाऊंगी, ये रफ है, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स क्या डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। देखो यार, फंडामेंटल राइट्स जो हमारी बेसिक राइट्स हैं, इक्वालिटी, ये वो, ठीक है, राइट टू स्पीच, ये सब बेसिक राइट्स हमारी जो है, दे आर फंडामेंटल राइट्स, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड करी गई है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, ठीक है, पार्ट 3 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स, ठीक है। आप नोट भी कर सकते हो साथ साथ में, बनी रहे आप नोट्स। और पार्ट 4 के अंदर डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैं, तो 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो ये क्वेश्चन आता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कहाँ पे दिए हुए हैं, फंडामेंटल राइट्स कहाँ दी हुई हैं, तो हमने लिख लिया ये डिफरेंस क्या है दोनों में। फंडामेंटल राइट वायलेट होती है, इट इज इन्फोर्सिएबल, क्या लिखोगे, इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ, ठीक है। इन्फोर्सिएबल इन द कोर्ट्स ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है कि भैया तुम्हारी राइट वायलेट होगी, राइट टू इक्वालिटी, राइट टू स्पीच वायलेट होगी, इसका मतलब कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, कोर्ट और हाई कोर्ट, मतलब यहाँ पे कोर्ट में जा सकते हैं कि भैया मेरी राइट वायलेट हुई है। ध्यान, नॉन जस्टिसिएबल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर नॉन जस्टिसिएबल, मतलब नॉट इन्फोर्सिएबल, नॉट इन्फोर्सिएबल। तुम कहोगे फिर डाली क्यों है, हाँ क्यों पेज खराब किए, डालने की ज़रूरत क्या थी इनको, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। यहाँ पर जो जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाई वो कहते मतलब कैन नॉट गो टू द कोर्ट, कैन नॉट गो टू द कोर्ट इफ़ नॉट इन्फोर्स्ड, अगर ये एप्लीकेबल नहीं हुई डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, आप कोर्ट में जाके नहीं बोल सकते कि भैया ये नहीं अप्लाई करे। क्यों? क्योंकि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं, दे आर प्रिंसिपल्स, जो प्रिंसिपल्स हैं वो अगर स्टेट चाहे तो अप्लाई कर सकती है, अगर स्टेट को लगे कि हम अप्लाई कर सकते हैं कर दें, नहीं भी करेगी तो कोई उनको कोर्ट में ही लेके जा सकता है। फंडामेंटल राइट्स अप्लाई करना मैंडेटरी है, फंडामेंटल राइट्स आर मैंडेटरी, तो इसलिए हम कहते हैं कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज आर नॉन जस्टिसिएबल, नॉन इन्फोर्सिएबल, वेयर एज फंडामेंटल राइट आर जस्टिसिएबल एंड इन्फोर्सिएबल, ठीक है, इन्फोर्सिएबल। द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन सोशल इकोनॉमिक, तो ये वाला बात समझ में आ गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल और आपका जो स्टेट फंडामेंटल राइट्स है। अब रीडिंग मारेंगे तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर ओनरशिप, कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज की बात करी हुई है। अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल है तो क्या है, कोर्ट मतलब स्टेट चाहे तो अप्लाई कर सकती है, ना चाहे तो नहीं करेगी। अब यहाँ पे द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्स टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी। अब प्रीएम्बल क्या होती है, व्हाट इज प्रीएम्बल, प्रीएम्बल इज इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या बोल सकते हैं प्रीएम्बल को हम, इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन, वो ऑब्जेक्टिव्स ले डाउन करती है, इंट्रोडक्शन टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। तो उसके अंदर ले डाउन किया हुआ है कि हम क्या देंगे सिटीजन्स को, सोशल इकोनॉमिक जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ये बेसिक्स हैं, ठीक है ना। और यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि क्या क्या वर्ड्स यूज किए हैं, दिस इज अ PYQ, ठीक है। पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन लिस्ट डाउन द फंडामेंटल राइट्स दैट गारंटी लिबर्टी एंड इक्वालिटी विद पार्ट 4 कंटेन्स DPSV, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स हैं। अब यहाँ पे जो जो नोट मैं करवा रही हूँ ना वो नोट करते रहो, यहाँ पर ये भी लिख लो, ठीक है ना। एम्स टू कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहती है कि एम्स टू सिक्योर टू ऑल सिटीजन्स सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस लिबर्टी एंड इक्वालिटी, ठीक है ना, ये प्रीएम्बल।
ले डाउन करती है. उसके बाद जो सेकेंड पॉइंट है, व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट, पार्ट थ्री, सॉरी हाँ पार्ट थ्री ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या ले डाउन करती है, फंडामेंटल राइट्स. पार्ट फोर जो ले डाउन करते हैं वो हमने पीछे लिख लिया, तो हम दोबारा नहीं लिखेंगे. फाइन, दीज आर प्रिंसिपल्स दैट द सेंट्रल स्टेट, ठीक है ये हमने पढ़ लिया कि डीपीज क्या होते हैं, ये सब क्या होती है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, दे आर नेवरदरलेस फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ कंट्री, ठीक है. डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स डीपीज का लिखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी क्या है, आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है ना. आर्टिकल 39 बी, आर्टिकल 39 सी इन पार्ट 4 कंटेन प्रिंसिपल्स दैट आर एम्ड एट सिक्योरिंग इकोनॉमिक जस्टिस. अब यहां पर हमें पता चलता है कि कहां पर इकोनॉमिक जस्टिस है, इक्वालिटी ऑफ वेल्थ की बात होती है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ की बात हो रही है. 39 बी एंड सी ये कौन से पार्ट में है, इन पार्ट 4. पार्ट 4 में है तो मतलब क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी है, यस. अब ये क्या कंटेन करते हैं, कंटेन principles that are aimed at securing economic justice, ठीक है ना. इकोनॉमिक जस्टिस मतलब जहां पर इक्वालिटी ऑफ वेल्थ, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की बात होती है. दे प्रोवाइड दैट ओनरशिप, क्या प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइड दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ material resources of the society should be distributed to serve the common good and that the operation of economic system does not result in concentration of wealth to common retirement, ठीक है ना. concentration of wealth ना हो, क्या कह रहे हैं, इसको रीडिंग मारेंगे एक बार दोबारा. प्रोवाइड दैट ओनरशिप एंड कंट्रोल ऑफ मटीरियल रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू सर्व द कॉमन गुड. जो रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, या ओनरशिप ऑफ जो रिसोर्सेज हैं, मटीरियल रिसोर्सेज हैं, वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए कि सबका भला हो, और ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम ना हो कि सिर्फ कुछ कुछ लोग ही, कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो पैसा है वो कुछ के पास ही हो, ऐसा ये बोल रहे हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल. द कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनली गारंटेड राइट टू प्रॉपर्टी. अब यहाँ पे राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो यहाँ पर ये हो गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है. अब यहाँ पर क्या बात हो रही है, राइट टू प्रॉपर्टी की बात हो रही है, तो कह रहे हैं राइट टू प्रॉपर्टी जो थी, दिस इज अगेन अ पी वाई क्यू अलर्ट, लिख लो पी वाई क्यू, ठीक है. पी वाई क्यू समझते हो ना, कि पहले आ चुका है पेपरों में, ठीक है. राइट टू प्रॉपर्टी, ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं ओरिजिनली राइट टू प्रॉपर्टी वॉज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 19(1)(f). तो ये इंपॉर्टेंट है कौन से आर्टिकल में दी हुई थी. अब इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, इट इज अ लीगल राइट, ठीक है ना. इट इज नो मोर अ फंडामेंटल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी. अब क्या है, इन 1978 इन ऑर्डर टू अवॉइड एक्सेसिव लिटिगेशन, कि प्रॉपर्टी एक्वायर करी जा रही थी लोगों की, कुछ बनाना है गवर्नमेंट को आफ्टर इंडिपेंडेंस, तो लोग कहते थे हम नहीं देंगे, हमारी तो राइट है, फंडामेंटल राइट है, तुम कैसे ले सकते हो, तो फिर इसलिए रिमूव किया गया 1978 में. 44th अमेंडमेंट एक्ट ओमिटेड, मतलब रिमूव्ड राइट टू प्रॉपर्टी एज अ फंडामेंटल राइट एंड इट इज नाउ अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट भी कह सकते हैं, एंड मेड इट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 300A, ठीक है ना. अब तीनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी अमेंडमेंट कौन से साल में हुई, अब कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनी. अब तुम कहोगे ठीक है, तुमने ऊपर वाला हमें समझा दिया कि फंडामेंटल राइट
और डायरेक्टिव प्रिंसिपल में क्या फ़र्क है, बट फंडामेंटल राइट और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में क्या फ़र्क है, राइट तो ये भी है ना। तो यहाँ पर फंडामेंटल राइट में आप डायरेक्टली हाई कोर्ट और डायरेक्टली कहाँ जा रहे हो, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, आप नीचे कोर्ट में नहीं जा रहे हो, यहाँ पर आप नीचे वाले कोर्ट में जाओगे, सबॉर्डिनेट कोर्ट्स में जाओगे, जिनको हम सबॉर्डिनेट्स कोर्ट बोलते हैं, वहाँ जाओगे अगर आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट हो रही है, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट नहीं आ सकते, ये फ़र्क है। There was also a regulation that placed restriction on growth of private enterprise. अब कोई ज़्यादा अमीर ना हो जाए, कोई ज़्यादा अमीर ना हो जाए तो क्या था, क्या क्या हुआ था, restriction on regulations that placed restrictions on growth of private enterprise, कौन सा एक्ट था, मोनोपलीज, कि किसी की मोनोपली ना हो जाए, कोई ज़्यादा अमीर ना हो जाए, तो रिस्ट्रिक्टिव ट्रेड एक्ट्स और ये सब कुछ थे, क्यों थे, कि कोई ज़्यादा अमीर ना हो जाए, ट्रेड प्रैक्टिसेस एक्ट, दैट इज MRTP एक्ट 1996, ठीक है ना। अब ये जो एक्ट है कॉम्पिटिशन एक्ट से रिप्लेस कर दिया गया, बट उसके बाद क्या हुआ, द रैशनल बिहाइंड दीज मेजर्स ड्यूरिंग दोज टाइम वॉज टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, ठीक है ना, एम क्या था, टू रिड्यूस, इस एक्ट का टू रिड्यूस इनइक्वालिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूट वेल्थ अमंग द पुअरर सेक्शंस, वो कॉन्स्टिट्यूटेड मेजॉरिटी, तो मेजॉरिटी में कौन थे, मेजॉरिटी में वो लोग थे जो बेचारे गरीब थे, तो यहाँ पर यही फंडा था कि जो अमीर है उससे पैसा लेके गरीब को दिया जाए टैक्सेस लगा करके, टैक्सेस लाइक स्टेट ड्यूटी, वेल्थ टैक्स, जनरेटेड रिवेन्यू दैट वाज मच लेस देन द कॉस्ट इनकर्ड इन एडमिनिस्ट्रेटिंग देम। द 90s saw द कंट्री मूव फ्रॉम अ क्लोज इकॉनमी टूवर्ड्स लिबरलाइजेशन, 1991 में हमने क्या पॉलिसी अडॉप्ट कर ली, अब सबसे पहले हम कॉम्पिटिशन एक्ट यहाँ पर लिख लेंगे, ठीक है ना, Competition Act 2002 replaced MRTP Act. अब MRTP Act मोनोपली मतलब सिर्फ एक ही जना है जो काम कर रहा है, कॉम्पिटिशन का मतलब यह है कि जैसे फॉर एग्जाम्पल एयरटेल था, वो लॉस में जा रहा था, तो गवर्नमेंट का वी कैन नॉट अफोर्ड टू क्लोज इट, कॉम्पिटिशन खत्म हो जाएगा, ठीक है ना, जियो ही रह जाएगा सिर्फ, ठीक है ना, तो इसलिए कॉम्पिटिशन भी खत्म नहीं होना चाहिए, बट हाँ अगर कोई अमीर हो रहा है तो होने दो, अब ये स्ट्रैटेजी है। अब क्या हुआ, 1991 में लिबरलाइजेशन, इंडियन लिबरलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी होगी, 1991 में क्या होगा, इंडियन लिबरेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरेशन ऑफ इकोनॉमी मतलब बाहर से कंट्री कंपनीज आ सकती थी, उससे पहले अगर आप अपने दादा दादी से पूछोगे तो वो बोलेंगे भैया एम्बेसडर ही गाड़ी होती थी, एक फ़ोन के लिए भी बहुत, और उसके लिए भी वेटिंग होती थी, स्कूटर्स के लिए भी वेटिंग होती थी, ब्लैक में मिलते थे, मतलब करप्शन करके आप खरीदते थे, क्योंकि एक ही कंपनी थी। फिर लिबरलाइजेशन होगी, बाहर से कंपनीज आनी स्टार्ट होगी, ये कब हुई, 1991 में लिबरलाइजेशन हुई, ठीक है ना, विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ एम्पावरिंग मार्केट फोर्सेज, एम्पावरिंग एफिशिएंसी एंड रेक्टिफाइंग डेफिशिएंसी इन द इकॉनमीज इंडस्ट्रियल स्ट्रक्चर, ठीक है, तो यहाँ पर बाहर से कंपनीज इंडिया में आनी स्टार्ट हो गई, ठीक है ना, प्राइवेटाइजेशन भी जिसको बोलते हैं हम, टाइजेशन भी जिसको हम बोलते हैं, तो बाहर से इकोनॉमी वो आनी स्टार्ट हो गई, राइट। तो ये जो है हमारे, दीज आर ऑल PYQs, वेरी गुड आर्टिकल जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन करने को भी मिला। चलिए आगे चलेंगे, May 1, आज बहुत जगह छुट्टी है, ठीक है, क्यों, क्योंकि आज इंटरनेशनल वर्कर्स डे है। May 1 क्या सेलिब्रेट होता है, 1 May को इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ठीक है जी, चलो आगे चलेंगे। एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी टेक्स चार्ज एज नेवी चीफ, ठीक है, ये भी लिख लेंगे, एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी अज्यूम्ड कमांड ऑफ इंडियन नेवी एज 26th चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, ठीक है, 26 चीफ बन गए हैं नेवी के, कौन, दिनेश के त्रिपाठी। आगे चलेंगे, एस्ट्राजेनेका सबमिशन ओवर कोविड वैक्सीन नथिंग न्यू सेज डॉक्टर फॉलोइंग फार्मास्यूटिकल कंपनी। फार्मास्यूटिकल कंपनी कौन सी होती है, जो मेडिसिन से रिलेटेड है, ठीक है ना, मेडिसिन रिलेटेड कंपनी एस्ट्राजेनेका एडमिशन इन यूके कोर्ट डॉक्यूमेंट दैट इट्स वैक्सीन अगेंस्ट कोविड 19 हैज द पोटेंशियल टू कॉज थ्रैम्बोसिस विद
थ्रोम्बोसाइटोपिनिया सिंड्रोम अ रेयर साइड इफेक्ट एसोसिएटेड विद ब्लड क्लॉटिंग डॉक्टर्स इन इंडिया सेड दिस इज नॉट न्यू इन्फॉर्मेशन एंड दे आर वेल अवेयर ऑफ द वार्निंग विच हैज बीन अवेलेबल इन इंडिया एज एन इंसर्ट विद अ वैक्सीन सिंस द टाइम इट तो यहाँ पे वो कह रहे हैं इंडिया वाले कह रहे हैं हाँ मेरे को तो पता ही था ठीक है ना दे एडेड दैट एनी एडवर्स इवेंट एसोसिएटेड विद द वैक्सीन वुड हैव अकर्ड विद इन 21 डेज टू अ मंथ ऑफ फर्स्ट डोज ठीक है तो यहाँ पर एस्ट्राजेनिका सबमिशन ओवर कोविड वैक्सीन इन यूके कोर्ट डॉक्यूमेंट्स that its vaccines that its vaccine against COVID-19 has the potential to cause क्या cause कर सकती है क्या cause कर सकती है thrombocytopenia syndrome That is ETS. That is blood clotting. Can cause blood clotting. ठीक है ना एस्ट्राजेनिका अब तुम्हारा होमवर्क यह है कि इंडिया में एस्ट्राजेनिका का नाम क्या था इन द कॉमेंट्स बताओगे चलो द जज ओवरसींग डोनाल्ड ट्रंप्स क्रिमिनल हश मनी किसी को चुप कराने के लिए हश चुप कराने के लिए पैसा दिया गया ठीक है ना तो हश मनी केस था मनी ट्रायल फाइंड द फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट डॉलर 9,000 फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ऑन ट्यूजडे एंड सेड ही वुड कंसिडर जेलिंग हिम इफ ही कंटिन्यू टू वायलेट गैग ऑर्डर तो यहाँ पे कंटेम्प्ट ऑर्डर मतलब मान नहीं रहे हैं कुछ तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं अभी नहीं लिखेंगे यूनाइटेड किंगडम एक्सपेक्ट्स टू डिपोर्ट 5700 माइग्रेंट्स माइग्रेंट्स को हम रिफ्यूजीज बोल देते हैं हम असाइलम सीकर्स बोल देते हैं ठीक है ना तो ये है ये कौन है ये सारे कौन है जो विदाउट परमिशन विदाउट वीजा एंटर कर रहे हैं किसी कंट्री को विदाउट परमिशन विदाउट वीजा दे आर एंटरिंग अ कंट्री राइट विदाउट परमिशन विदाउट वीजा वो किसी कंट्री को एंटर कर रहे हैं तो उसको क्या बोलते हैं असाइलम सीकर्स रिफ्यूजीज तो अब ये जो है ये भेजने वाले कहाँ पे भेजने वाले हैं रवांडा ठीक है ना रवाना कहाँ रवाना करने वाले हैं रवांडा मैंने याद करवाया था ना ये रवाना और रवांडा डी डाल देना यहाँ पर ठीक है ना तो कहाँ पे भेजने वाला है यूके यूके टू डिपोर्ट माइग्रेंट्स टू रवांडा ट्रिक क्या लगानी है रवाना ठीक है ना यहाँ पे डी डाल देना है तो रवांडा बन गया ठीक है रवाना मतलब जाना ठीक है तो रवाना कर रहे हैं इनको द यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ट्यूजडे मूव टू मेक मैरिजुआना यूज एज अ लेस सीरियस क्राइम फैमिलियर विद द मैटर सेट इफ फाइनलाइज तो यूएस का मैरिजुआना जो है उसको मतलब अगर रिक्रिएशनल यूज के लिए आप यूज कर रहे हो तो कैनबिस पॉलिसी में शिफ्ट लेकर आ रहा है यूएस से तो देखते हैं अगर ले आता है एक्चुअली ठीक है दैट्स इट गाइज मिलेंगे कल 6 PM पर एंड जो बैकलॉग है मुझे पता है वो है तो वो कर देंगे बिकॉज आई एम नॉट वेल आज भी मतलब मुश्किल से ही क्लास ली आई एम हैविंग फीवर राइट नाउ इफ यू वॉन्ट टू बाय एनीथिंग यू कैन गो टू लॉकरी.in यू कैन ऑल्सो चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स फॉर लिंक्स थैंक यू फॉर जॉइनिंग इन बाय बाय टेक केयर